कोरोना संकट के इस दौर में लोग प्राणवायु यानी ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं से ऑक्सीजन मिल जाए तो मरीज की जान बच जाए। ऐसे में मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने जुगाड़ से कमाल कर दिखाया है। यहाँ आगरमालवा में सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी ने मिलकर ऑक्सीजन देने वाली मशीन बना डाली है। इस मशीन से कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है और उनकी जान भी बचाई जा सकती है। अस्पताल आ रहे गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से जूझता देख डॉक्टर ब्रजभूषण पाटीदार ने डेंटल अस्पताल में काम में आने वाले कंप्रेशर मशीन में कुछ मॉडिफिकेशन कर एक ऐसी मशीन का जुगाड़ किया जिसे वायुमंडल की हवा को खींचकर मरीज को प्रेशर से दिया जाए तो ऑक्सीजन की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकता है। इन्होंने डेंटल इलाज में काम आने वाले कंप्रेशर में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिए और मास्क आदि लगाकर मात्र 20 से 25 हजार के खर्च में ये मशीन बना दी। महामारी के इस दौर में ऐसे प्रयोग कई मरीजों की जान बचा सकते हैं। हालांकि इस मशीन से मरीजों को होने वाले फायदे के दावे की पुष्टि किसी चिकित्सीय संगठन या संस्था की ओर से नहीं की गई है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक थाने में प्रेम प्रसंग का अनोखा मामला सामने आया। यहां कुछ दिन पहले बालिक लड़का लड़की घर से लापता हो गए थे। दोनों पक्षों ने अपने अपने बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज कराई। पड़ताल के बाद दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और परिजनों के हवाले करने लगे तो लड़की के परिजन उसे अपने पास रखने से इनकार करने लगे। ऐसे में पुलिस ने यहां अलग भूमिका निभाते हुए थाना परिसर में ही भगवान के मंदिर में दोनों की शादी करवा दी। थाना परिसर में ये शादी पूरे मंत्रोच्चारण और विधान के साथ कराई गई। शादी में पुलिस वाले शामिल थे और भगवान को साक्षी माना गया। बाद में दोनों पक्षों को काफी हद तक समझाया भी गया। तीसरी गजब खबर है विदेश से। अमेरिका में रहने वाली एक 71 साल की दादी अपनी गजब के फिटनेस की वजह से चर्चा का विषय बनी हुई है। मैरी डफी नाम की ये महिला अपनी जिंदगी के छठे दशक में इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियन बन चुकी है। यही नहीं, वे 30 स्टेट और इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी अपने नाम कर चुकी है। मैरी ने कहा कि मैं 10 साल पहले जिम को लेकर गंभीर होना शुरू हुई थी क्योंकि मुझे लगा था कि मैंने काफी वजन बढ़ा लिया है। मैंने अपने चेहरे को शीशे में देखा और मुझे एहसास हुआ था कि मैं अपने आप को ताउम्र ऐसे नहीं देखना चाहती हूँ। इसके बाद मैंने जिम जाने का फैसला किया। मैरी रोइंग मशीन और क्रॉस ट्रेनर पर कार्डियो करती हैं। इसके अलावा दोस्तों के साथ वेट लिफ्टिंग सेशंस भी करती है। कई बार वे दिन में 6-6 घंटे तक ट्रेनिंग करती है और आमतौर पर वे हफ्ते में 20 से 25 घंटा केवल जिम में बिताती हैं। इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो उनकी उम्र को लेकर उन्हें जज करते हैं। मैरी कहती है कि मैं ऐसे लोगों को कहती हूं कि प्लीज जाकर मेरे रिकॉर्ड्स चेक कर लें। न्यूज़ तक ब्यूरो।